रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही जहां महाफले नात और दुरूद व सलाम की बज़में सजाई जाती हैं, वहां सना खाने रसूल अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के गुलहाए अकीदत आकाए नामदार की बारगाहे रिसालत बाब में खूबसूरत अंदाज में पेश करते हुए दिखाई देते हैं। इस सिलसिला की एक पुरनूर तकरीब मुकामी सतह पर पीराने पीर गौसे आजम शाह अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार से मंसूब नशिस्त पर इनअकाद पजीर हुई, जहां पर खुश एलहान मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा महाज मसूद चिश्ती के नातिया और सूफियाना कलाम की नई एल्बम मुतारफ करवाई गई। इस मौका पर महाज चिश्ती ने दफ के साथ खूबसूरत और मखसूस अंदाज में अपना कलाम भी पेश किया। रबी अव्वल में उसकी आज जो है रबी अव्वल का पहला जुमा है, तो ईद के दिन मैंने इसकी जो है सरमनी की और सैयद इकराम शाह जी और हाफिज़ खलीफा हाफिज़ अखलाक मुबारक साहब और हाजी कमर जमान साहब इनकी मोहब्बतें उनकी काविशें इसके नतीजे में मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हुआ है। आपसे गुजारिश है इसे ज़रूर सुनिएगा और दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजागर कीजिएगा। पहले पूरी आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारकबाद, हुजूर की मिलाद शरीफ की, इस महीने की हुजूर की आमद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और खसूसियत के साथ रबीउल अव्वल शरीफ के साथ ये चीज़ भी बड़ी बायस फ़ख्र है जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे अज़ीज़ भाई बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब माज चिश्ती साहब, उन्होंने ये जो सी डी अपनी रिलीज़ की है, उस सिलसिले में आपसे पूरे आलम इस्लाम जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है कि ये बहुत ही खूबसूरत सनाखान है। आका अलैहि सलाम सनाखान सारे खूबसूरत होते हैं, इसलिए कि जो खूबसूरत कलाम, खूबसूरत और सबसे हसीन नबी के लिए जो हसीन कलाम होता है तो वो पढ़ने वाला भी हसीन होता है। तो इसलिए ये इनकी सी डी रिलीज़ हो रही है आज रबीउल अव्वल शरीफ में, तो ज़रूर जो है उसको देखें भी सुने भी। तो मैं अपनी नेक ख्वाहिशात तमन्नाओं के साथ दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस भाई को माज चिश्ती साहब को कामयाबियाँ अता करे। तरफ से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज महफिल के बाद ये बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे सना खान दोस्त माज मसूद चिश्ती साहब की सी डी रिलीज़ हो रही है।
میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سی ڈی کو اور ان کو کامیاب و کامران فرمائے، اور یہ سی ڈی آپ ضرور خریدیں اور ان کو ضرور سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے. اس موقع پر نوجوان نعت خواں محاذ مسعود چشتی کا کہنا تھا کہ نعت رسول مقبول کے ذریعہ سے بھی جوان سال نسل کو دینی تعلیمات اور شاعر اسلام سے محبت و عقیدت کا پیغام دیا جا سکتا ہے. ایس ایم عرفان طاہر, ورلڈ نیوز, برمنگھم.